काफी आगे समझना पड़ेगा, बट दैट्स ओके। सबसेट्स, आपने सब वे तो सुना होगा ना, रास्ते का एक छोटा भाग। तो सबसेट हमारे एक बड़े दिए हुए सेट का छोटा सेट। तो दिस इज ऑलवेज अ स्मॉलर पार्ट या अ स्मॉलर सेट ऑफ द गिवन बिगर सेट। ठीक है, ये इसका क्या मतलब है, ये कैसे लिखा जाता है, अभी समझते हैं इसको। किसी भी सेट का सबसेट हम लिख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और वो होगा क्या, उस दिए हुए सेट में से और छोटे छोटे सबसेट्स बनाएंगे, पर अपने आप में वो एक सेट ही होना चाहिए, यानी वही वेल डिफाइंड हो और हमारी समझ में आए कि ये चीज क्या है। ठीक है जी, ऑलराइट। तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल हम ले लें, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है, अब एक रूल है, जैसे आप फैक्टर्स नहीं करते थे बेटा नंबर्स के, हमने मान लीजिए 6 एक नंबर ले लिया, आपको याद है आपको कहा जाता था कि ये नंबर खुद भी अपना फैक्टर है, और 1 तो ले ही लो, 1 जो यूनिवर्सल डिवाइजर है वो तो ले ही लो। अब बीच बीच के और नंबर ढूंढ लो 1 के आगे, चलो 2, 2 डिवाइड करता है 6 को, करता है ना, यानी 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 भी एक इसका फैक्टर हो गया, डिवाइजर हो गया। अगला नंबर ले लो 3, 3 के टेबल में 6 आता है, आता है तो ले लो। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 पर आ जाए तो 6 के टेबल में आता ही है, और बस इस नंबर पर पहुंचते ही हमारे सारे फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 15, तो फिर वही का वही रूल, सबसे पहला नंबर 1 आप इसका फैक्टर लेंगे और लास्ट में 15 लेना ही लेना है, ये याद होगा आपको। अब 1 के बाद टेबल बढ़ते जाइए, 2 के टेबल में नहीं आता तो 2 नहीं लिखेंगे, 3 के टेबल में 15 आता है लिख दीजिए, 4 आएगा बिल्कुल नहीं, 5 आएगा जी हाँ, 6 के टेबल में 15 नहीं आता, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 किसी के टेबल में नहीं आता। तो ये 4 जो फैक्टर्स मिल गए, वो मिले जो नंबर्स 15 को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जिनके टेबल में 15 आता है। तो बस बिल्कुल कुछ इसी तरह हम यहाँ इस सेट के सबसेट्स को लिखेंगे, तो टोटल इसके जो सारे हम सबसेट्स लिख पाएंगे, इसके लिए भी कुछ वैसा ही रूल लगता है, यानी इसके एक-एक सेट को, एक-एक एलिमेंट को आप अलग-अलग छोटे-छोटे बॉक्सेस में डालते जाएंगे। ये सोचिए कि एक ये बड़ा सा बॉक्स है और ये उसके अंदर 3 चीजें रखी हुई है, अब एक-एक करके हम इनको छोटे-छोटे डब्बों में डाल सकते हैं। ठीक, क्या हमारे पास एक ऐसा डब्बा बन सकता है जिसमें हम कुछ भी ना डालें? बिल्कुल बना सकते हैं, एक छोटा सा और डब्बा ले लीजिए और उसमें कुछ भी मत डालिए। ठीक है, तो वो भी इसका सबसेट है। फिर एक और छोटा सा डब्बा बना लीजिए जिसमें एक ही नंबर डालिए, यानी कि 1। अब एक और डब्बा बनाया जा सकता है जिसमें एक ही नंबर हो लेकिन अब की बार हो 2। फिर एक और छोटा बॉक्स ले लीजिए जिसमें एक ही नंबर हो लेकिन अब की बार नंबर हो 3। अब हम क्या कर सकते हैं, एक एक कर, पहले हमने ये खाली रखा, अब एक एक एलिमेंट लिया, अब हम दो दो एलिमेंट्स लेना भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1,2 ले लिया, फिर मैं सोच रही हूँ 2,3 ले लूं, अब अगली बार कोई और बचा क्या? हाँ जी, 3 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन बचा, बचा ना, ओके। अब हो गए या और भी कोई कॉम्बिनेशन है, देख लो। देखो, अगर आप 1, 2 लिख बैठे हो तो क्या 2 और 1 अलग होगा? 2 और 1 बिल्कुल इक्वल होगा, हमने अभी अभी यहाँ ऊपर पढ़ा कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, ये दोनों सेट इक्वल है, तो इस हिसाब से 1, 2 शुड बी इक्वल टू 1, राइट? तो 1, 2 हमने लिख दिया, तो 2, 1 दोबारा से नहीं लिखना, ओके? अब ये दो दो वाले हो गए, तो 3 वाला ले लेते हैं, 1, 2 एंड 3, ऑर्डर डज नॉट मैटर, आप कैसे भी लिख सकते हैं। मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, मुझे यहाँ से पता है, एक तो मैंने सबसे छोटा नंबर ले लेना है, यानी हमने यहाँ पर एम्प्टी सेट ले लिया 5, और एक वो नंबर खुद ले लेना है जो हमें दिया हुआ था, वो हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला समझेंगे, वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं बेटा, इसके अंदर एलिमेंट्स 3,
नंबर ऑफ सबसेट्स जितने भी एक सेट के बन सकते हैं ना, उसका फॉर्मूला होता है 2^n। यानी हमारे इस केस में 2^3, ठीक है, हो गया 8। काउंट कर लीजिए, हमको पूरे 8 सबसेट्स मिलेंगे। ये देख लो, आप हर सबसेट के बाद हम कॉमा डालते हैं बेटा, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स हर बार डालेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। हमारे पास ये टैली हो गया कि नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2^n। तो आपको अगर ये पहले से पता हो कि इतने आने हैं तो हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एक और सेट ले लीजिए, इस सेट में ले लेते हैं एक अल्फाबेट ए और एक नंबर ले ले, ठीक है। तो नंबर या ऑल पॉसिबल सबसेट, चलो पहले ये देख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल हो जाएंगे इसके, ये हो जाएंगे 2^2, मतलब कि 4। तो अब हम केवल 4 सबसेट्स लिख पाएंगे इनके, ठीक है। देयरफॉर सबसेट्स आर इक्वल टू, सबसे पहला याद रखिए हमेशा एम्प्टी सेट, ठीक। पहला सबसेट एक एलिमेंट वाला ले लेते हैं, मतलब ए। दूसरा फिर एक एलिमेंट वाला ले लेते हैं, मतलब 7। एक एक करके हो गए खत्म, और है ही नहीं कोई। अब दो दो की बारी है, दो दो की बारी में तो फिर वही का वही आ गया जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, और हो गए ना ये बिल्कुल 4, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया सबको, आई रियली होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक। अच्छा, तो ये तो हमने टाइप्स ऑफ सेट्स भी पढ़ लिए हैं बेटा। एंड अब इन पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देख लेंगे, ओके। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर अभी अपने आप ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 है आपकी बुक की, और उसमें है स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगी बेटा, लेकिन अभी आप ये बुक के कीजिए, स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, ठीक। फर्स्ट पार्ट है इसका, ये आप करके मुझे वापस भेजेंगे होमवर्क थ्रू व्हाट्सएप या गूगल क्लासरूम से भेज दो। गूगल क्लासरूम का कोड मैंने भेजा है आपको, ज्वाइन करो और मुझे वहीं पर भेजना, ठीक है। ए बी सी डी, और बी हमें दिया हुआ है सेट डी सी बी ए, ठीक है। सेकेंड पार्ट, A is equal to 4, 8, 12, 16 and B is equal to 8, 4, 16, 18. Okay, so third part है हमारे पास, A is equal to 2, 4, 6, 8, 10 and B is equal to all x where x is an even integer। बस ये इतना ही दे रही हूं मैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट, ये आप लिख लीजिए, a is equal to सारे x लेने हैं where x is a multiple of 10। तो जितने भी नंबर्स हैं, जब कुछ नहीं दिया तो आप रियल नंबर्स ले लोगे, ठीक है। x is a multiple of 10 और इस क्वेश्चन के लिए b आपको दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25 and so on, bracket closed, ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप ले लीजिए, राइट ऑल सबसेट्स, ठीक। ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, बस ये मैं दे रही हूं आपको, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ ए कॉमा बी देन सिर्फ ए
ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है. देन फाइव, ये भी एक क्वेश्चन है. और वन टू थ्री फोर, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा और हम बाद में बताएंगे कि इनकी कलेक्शन को भी एक नाम देते हैं. बट फिलहाल आप आज इतना काम कीजिए, ठीक है बच्चे. ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास.